फ्रेंड्स, नीट JEE के स्टूडेंट्स क्वालिटी एजुकेशन के लिए राजस्थान कोटा जाते हैं, जहां पूरी स्टडीज कंप्लीट करने का एक्सपेंस 3 से 4 लाख तक जाता है। वसीम सर ट्यूटोरियल्स ने सेम कोर्स विथ सेम कंटेंट एंड सेम क्वालिटी बहुत ही अफोर्डेबल फीस के साथ आपके लिए अवेलेबल किया है, ताकि आप अपने डॉक्टर या इंजीनियर बनने का ड्रीम हासिल कर सको। सभी स्टैंडर्ड के एडमिशन्स ओपन हैं, इंक्लूडिंग CBSE एंड ICSE बोर्ड, वो भी एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स के साथ। हमारे फ्री डेमो लेक्चर्स के लिए अभी कॉन्टैक्ट करें। गांव देवी में पानी को लेकर महिलाओं में हुआ झगड़ा, एक महिला पर दूसरी महिला पर चाकू से हमला करने का आरोप। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा बाईपास से सटे गांव देवी इलाके में, जहां अभी हाल ही में नई पानी की टंकी बनाई गई है, उसे पीछे का परिसर है। यहां पर रविवार 24 अप्रैल को दिन में दो परिवारों में पानी को लेकर विवाद हुआ। विवाद हाथापाई तक बदला और इसमें एक परिवार की महिला का आरोप है कि सामने वाली महिला ने और उसके पिता ने चाकुओं से उनके ऊपर हमला कर दिया। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मुमरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। मेडिकल वगैरह हो चुका था, लेकिन शिकायत हुई या नहीं हुई इसकी कोई निश्चित जानकारी इनको खुद को भी नहीं है। क्या नाम है आपका? मुबीना खातून। मुबीना जी, ये जो अभी आप लोगों का इधर विवाद हुआ था, किस बात को लेके हुआ था और क्या विवाद था ये? पानी वो पानी की वजह से है, पानी भर अच्छे से भर के लाए और इधर खड़े हो गए, यहाँ डराम बोल दे रहा है और इसको यहाँ आई है ये, बस यहाँ लपेट के इधर मारने लगे। इसे किसने मारा है? क्या नाम है? वो उसका बाप नाम क्या है? आरिफा। आरिफा जी, ये तुम्हारे हाथ पे जो लगा ये कैसे लगा? तो मैं बचा रही थी, बचाने के उसमें चाकू से वार किया गया मेरे हाथ पे। किसके हाथ में चाकू था? इनके बाप के हाथ में चाकू था, उसकी बहन के, बड़ी वाली के, और उसकी बहन के थे। आपने पुलिस चौकी गए थे आप लोग? जी, हम लोग गए थे। क्या हुआ? NC लिखा है, टकरा रहा, दर्ज लिखा उन्होंने, लेकिन ये बोला कि अभी जाओ आप और कल आना, कल बुलाए जी। और हम लोग वहाँ के हॉस्पिटल से भी दिखा के आए, मेडिकल को गए थे आप जी। टाके आके आए हैं जी? कितने टाके आए? एक ही दो आए हैं, ज्यादा नहीं। 12 बजे शिवाजी हॉस्पिटल में ज्यादा ब्लड जा रहा था हमारे यहाँ। कितने बजे विवाद हुआ था? वही 11:30 बजे के करीब हुआ था। पानी कितने लोग भरते पानी? आप लोग पानी इन लोग भर रहे थे और जो जो लोग भरते थे, 3-4 लोग भरते नल में। मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ मैं बचाने। कितने लोग भरते हैं? मेरे को मालूम नहीं है कौन कौन भरता है कौन नहीं भरता। मैं अपनी सास और नंद को बचाने आई, बचाने में मेरे को मार किया गया। नल कौन है? ये है मेरी नंद, ये है मेरी सास। क्या नाम है आपका? चांदनी। मेन झगड़ा कैसे हुआ था वो बताओ, कैसे शुरुआत हुई? चांदनी वहाँ से हम यहाँ से इधर तक आई हूँ, इसी से कर कर तो उनकी बड़ी बहन आई तो मारने लगी आकर। गाली कौन सी दी? क्यों मारी? हर बात में बोलने लगती है। क्या नाम है आपका? आफरीन शहबाज खान। ये जिस चाल में आप लोगों का विवाद हुआ, ये पूरी चाल का एड्रेस क्या है? ये पूरी चाल मस्जिद मोहम्मद या गुलशन मुस्तफा चौल। ये किधर लगती है ये चाल? ये गांव देवी एरिया में लगती है, बाईपास रोड। क्या आपका विवाद हुआ था आपके पड़ोसियों से? हमारा व्यवहार 1 साल पहले विवाद क्या हुआ था? लपड़े क्या अभी हुआ ये था? पानी के ऊपर से नल पे हुआ था। अच्छा। हाँ, बोल। अभी ये मेरी अम्मी का घर है, मैं मेरा रूम देखो, वो जो पिंक वाला है ना, हाँ, वहाँ पर है। तो अब मेरा पानी मेरी अम्मी उनके घर में डालते, तो मैं अपने घर में अपना पानी नहीं डालूंगी, तू नहीं निकालेगी, बस एक ही घर पानी भरेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता ना सर, मेरा रूम अलग है ना। उन लोग का ऐसा बताना है कि जो एक दो नल है, सब नल पे आप पानी भरते हैं। बताओ क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है बताइए? अब मेरा वो लाइन है, वो लाइन से मैं वो नल से भरती हूँ। मेरी मम्मी ये लाइन में रहते, ये लाइन से वो ये नल से भरते, क्या गलत है इसमें बताइए? जब आपकी वो लाइन है, हाँ, तो आप अपनी मम्मी के इधर से ये लाइन से पानी क्यों लेके जाते हो उधर? मेरी ये लाइन से मैं वही लाइन से पानी भरती हूँ। हाँ, यहाँ से मैं पानी नहीं भरती, यहाँ से मेरा कुछ वास्ता नहीं है। हाँ, क्या बात पे फिर झगड़ा हो गया? ये बात पे ये झगड़ा हुआ कि तू पानी नहीं भर सकती। अब मेरी मम्मी का मेरा घर है, पानी यूज, अभी मेरे पास घर में 2 छोटे बच्चे, ये देखिए, वो मेरा बेटा है, वो मेरे अब्बू के गोदी में, और वो मेरा बेटा है। पानी नहीं रहेगा तो मेरी माँ मुझे पानी अपने घर से देगी? तो ये लोग बोलते नहीं करने का,
मैं अपने ससुराल से भगाई गई हूँ सर, तो मेरे माँ बाप मुझे संभाल रहे, मेरे हस्बैंड है बाहर काम पे गए हुए हैं। ये लोगों आप यही बात पे पकड़ो ना, हर रोज यही ताना, मेरी मम्मी घर में रहते नहीं, प्राइम हॉस्पिटल में काम पे जाते हैं। चाकू से मारा वो? किसने चाकू से मारा? आपके वाले माफ करे, रमजान महीने में चाकू वाकू मैंने, मेरे पास थी भी नहीं, मैं नंगे पैर पुलिस चौकी भागी है सर, आपको पुलिस चौकी वाले भी बता सकते हैं, मेरे पास कंप्लेंट पावती है, मैं वो भी निकाल के आपको, दूसरी कंप्लेंट है मेरी। कंप्लेंट कराया है मैंने, पहले कंप्लेंट कराई है, दूसरी कंप्लेंट है ये लोगों के खिलाफ मेरी सर, मैं बहुत परेशान हूं। मतलब पहले से चल रहा है? पहले से चल रहा है, तो ये पहले का बदला एक साल के बाद आज लिया जा रहा है, इनके कोई गांव से रिश्तेदार आए हैं तो ये सब मिलके बोलते हैं इसने कंप्लेंट, इसके जो ये लड़की के अब्बू है हदीस, उनके इतनी हाफ चड्डी पे बाहर बैठ के नहाते, आंख पे एक भी कपड़ा नहीं है, मेरी अम्मी ने बोले मेरे घर में बेटियां हैं, आप ये कैसा कर रहे हो, ये कैसा नहा रहे हो, हम अपने दरवाजे में नंगे नहाए, तो ये गलत है ना सर, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, ये देख रहे हो ना आप चड्डियों पे नहाओगे तो कोई ऑप्शन नहीं उठाएगा, आपके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या, आप नंगे नहाओगे तो कोई नहीं बोलेगा कि सर ये मेरी बात गलत है क्या, आप सही बोलो, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बोलिए, ये ऐसा नंगे दरवाजों में नहाएंगे फिर इनको कोई बोलने जाएगा तो ये उल्टा हम ही पे चढ़ेंगे, हम ही पे झगड़े करने आ जाएंगे और बोलेंगे झगड़े करती है, ये गलत है ना। इस तरह से बताया जा रहा है कि आपके जो हस्बैंड है वो बाहर चड्डी पहन के नहाते हैं, लोगों को तकलीफ होती है। देखिए चड्डी लेके आप वाले बताएं, इतनी इतनी सभी लोग चड्डी पहनते हैं वो रूम पे है। और रात में 12 बजे मेरा आदमी 11 12 बजे आता, सन्नाटा हो जाता गली में, इज्जतदार लोग हैं तो चलिए ये बाहर पानी ये रखा यहीं बैठ गए, वो भी हम लोग ने बंद करा दिया अपने आदमी को, कि सही बात है मोहल्ले में लड़कियां जैसे अपनी लड़कियां वैसे दूसरे की लड़कियां, वो बात खत्म हुई। नहाते थे ये बात तो सही है ना, वो बात खत्म हुई, ये चड्डी पहन लिया या पहन के वो कर लिया तो इसके लिए बुरा ही है। अब वो बता दे इससे छोटी चड्डी पहन कर, छोटी चड्डी रात में 12 बजे यहाँ पे बैठे अपने दरवाजे पे, वो भी सब बंद है, उधर वाल कोई है कोई नहीं है, सब अपने अपने घरों में हो जाते, वो भी मना कर दिया, कई बार हमने अपने आदमी को बोला कहीं रात में दिन में नहीं नहाते, मतलब रात में 12 बजे कभी नहीं भाई, मेरे सुबह 8 बजे मेरा आदमी चला जाता और रात में 11 बजे आता है, उसके लिए आप चाहे जो अभी किसी की दुख मुसीबत पड़ेगा तो हम लोग बिंदास जाएंगे, उसके लिए चाहे हमको कोई कहे तुमने खून कर दिया चाहे कत्ल, और मेरा दरवाजा नहीं होता तो साहब हम लोग नहीं बोलते, मगर वो हमेशा की आदत है, उसको हम लोग से तकलीफ है इसलिए हम पढ़ रहे थे इनके नल पे, वहाँ क्या हुआ वो मुझे मालूम नहीं, फिर भी हम अपनी लड़की को नहा के निकले, हम अपनी लड़की को अंदर कर रहे थे, मेरी लड़की को लेके इन लोग को सबको तकलीफ है। और आगे